हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन देखने को, आईज की तरफ से कैश स्पेस में किस प्रकार की खरीद या बिक्री देखने को मिली है, क्योंकि डीआईआईज का तो सहारा लगातार ऑलमोस्ट 985 करोड़ के आसपास की खरीद हमने डीआईआईज की तरफ से देखी है, लेकिन कैश स्पेस में जो विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली है ये थोड़ा चिंता का सबब है। 1930 करोड़ की बिकवाली हमने कल यानी कि बुधवार के सेशन में बनती हुई देखी, और ये जो एफएनओ का स्पेस था जहां पर कॉन्स्टेंटली खरीदारी बनी हुई थी, यहां पर भी एक बिकवाली का झटका लगा है। ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास की वो सेल्स का फिगर सामने निकल कर आ रहा है। चलिए, तो जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि सुस्ती की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, सिर्फ एक आप कह सकते हैं प्लस पॉइंट है वो कि कच्चा तेल, तो ऐसे संकेतों के बीच हमारे मार्केट में क्या रणनीति होगी, ट्रेड लेवल्स क्या हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। इससे पहले कि हम आपसे ट्रेडिंग रेंज जाने, आज मार्केट का मूड मिजाज जाने, सबसे पहले आपको जन्मदिन की ढेरों ढेरों बधाइयां सर। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, यही हम सबकी कामना होगी सर आज आपके लिए। धन्यवाद नेहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए, और आप सब साथ हैं तो हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, हमेशा मस्त रहेंगे, कोई डाउट ही नहीं है। थैंक यू सो मच सर। अब बताइए, जिस तरह के ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं सर, आज क्या किया जाए, निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स? देखिए, आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वीकली एक्सपायरी का दिन है, राइट, और उस हिसाब से पिछले दो दिनों से बाजार थोड़े ऊपर नीचे रेंज में होते हुए दिख रहे हैं। एक तरफा तेजी के बाद 16,650-700 के आसपास पहुंचते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है। नीचे के लेवल पर 16,500 के आसपास वापस से आपको खरीदारी भी आती हुई दिख रही है, तो ऐसे कोई बहुत बड़ी गिरावट के भी आसार नहीं है और बहुत बड़ी तेजी के आसार भी नहीं दिख रहे हैं, तो थोड़ी वोलेटिलिटी के बीच में आपको शायद दोनों तरफ की रेंज मिल सकती है, क्योंकि एचडीएफसी आपको कमजोर शुरुआत के संकेत दे रहा है, तो नीचे शुरुआत होने के बाद आप पहले 16,500 को देखिए, अगर वो होल्ड होता है तो ठीक, उसके बाद इसकी नीचे की तरफ जो बड़ी रेंज सपोर्ट के तौर पर निकल कर आएगी वो आएगी आपके लिए 16,350 से 16,425। इस रेंज में आने पर हल्की फुल्की खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर फिर से अगर 16,650 16,700 के आसपास पहुंचे, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके इंतजार कीजिए नीचे आने का। सो आई थिंक दोनों तरफ के ट्रेड मिल सकते हैं। कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत, ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है, और अगर 35,100-35,300 की रेंज में बैंक निफ्टी आपको आज फिर से मिलता है, खरीदारी कीजिए बिल्कुल जरूर, वो अच्छी रेंज है, अच्छा सपोर्ट है, और ऊपरी स्तर से 35,800-36,000 आता है तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जैसी भी शुरुआत हो, शुरुआत के बाद अहम सपोर्ट लेवल के आसपास अगर पहुंचता है वहां खरीदारी कीजिए, और ऊपरी स्तरों पर रुकावट के लेवल के आसपास पहुंचता है वहां प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से नीचे के लेवल का इंतजार कीजिए। तो कुछ अच्छे संकेत हैं, कुछ कम अच्छे संकेत हैं, और दो दिनों के उतार चढ़ाव के बाद आज वीक की एक्सपायरी के दिन भी आपको सेम ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल सकता है।